नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों नरवाना इरिगेशन डिपार्टमेंट में और यहां पर लगातार जो कर्मचारियों की है समस्या लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर आज यहां पर प्रदर्शन दे रहे हैं। तो अभी बात करना चाहेंगे तो क्या कुछ समस्या थी, और जैसे एक्शन साहब से बात की गई है, मनासी दास जो एक्शन साहब है यहाँ, उनसे बातचीत की गई है, पूरी टीम यहाँ पर गई थी। क्या यहाँ मंडल कार्य में पहुँचने पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी प्रमुख मांगे थी जो एक्शन साहब द्वारा, जो डिवीजन कार्यालय द्वारा जो लापरवाही की गई थी, उसके बारे में एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 10 दिन के अंदर अंदर विटलोन दिलवा देंगे। और कच्चे कर्मचारियों की थी मेन मांग, उसके बारे में भी एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है, वह जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मेन समस्या दो थी, बाकी समस्याएँ और भी थी, उनके बारे में एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है। लिस्ट तो आपकी काफी लंबी थी, देखी थी, छोटी छोटी बातें भी है रिपेयरिंग को लेकर, लेकिन जो मेन समस्या थी, जो कर्मचारी है उनकी एक तनख्वाह रुकी हुई है, एक इनकी अप्रैल से इनकी छुट्टी कर दी गई है 63 कर्मचारियों की, तो उनको लेकर क्या बातचीत हुई, किस बेस पर जो कर्मचारी है वो बाकी लगाए गए और इनको हटाने का क्या प्रोसेस था, इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है क्या जी? अच्छा, हमने हमारी डिमांड थी कि इनको साथियों को सीनियरिटी के हिसाब से रखा जाए। अच्छा जी, तो एक्शन साहब ने यही कहा है, पोर्टल बंद है, जल्दी पोर्टल खुलेगा तो उसके बारे में, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद जल्दी कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी, तो समय भी दिया है अभी इतने दिन के या समय, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं दिया। एक्शन साहब ने कहा है कि पोर्टल बंद है, ये पोर्टल तो चल ऊपर बात करेंगे तो पोर्टल तो खुल भी जाएगा, लेकिन जो ये कर्मचारियों की पे के लिए भी समस्या है, जो पिछली पे पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, उसके बारे में। हाँ, पेंडिंग पे के बारे में भी एक्शन साहब ने हमें आश्वस्त कराया है। अच्छा जी, नीचे से जब रोल आएगा JEE/STO के द्वारा, जो मैं रोल आता हूँ उनकी तनख्वाह देता हूँ। अच्छा जी, जल्दी नीचे से रोल आएगा तो मैं जल्दी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, क्या चलेगा या फिर जो एक्शन साहब ने जो आश्वासन दिया है उसको लेकर अब समाप्त किया जाएगा क्या कुछ? हम जो एक्शन साहब के साथ हमारी बातचीत हुई है वो हमारे साथियों के बीच में हम चर्चा करेंगे, जैसे साथी सुझाव देंगे उस पर हम उसी हिसाब से फैसला लेंगे। हमने एक्शन साहब से जो भी विटलाउन की बात करी है, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि चाहे मैंने FD सरकार तक जाना पड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे और इसको विटलोन कर्मचारियों को दिलवाने में हम सफल होंगे। तो जो विटलोन का एक प्रोसीजर रहता है, क्योंकि हर साल मिलता है, तो उसका कारण क्या रहा हमें, क्योंकि हर साल मिलता है तो अब की बार क्या कारण रहा? एक्शन साहब ने जो हमारे को कारण बताया, एक तो शनिवार और इतवार पड़ गए थे, और उससे पहले दिन शुक्रवार को एक्शन साहब हेड ऑफिस में थे और ये कोई मतलब यहाँ नहीं पहुँच पाए, 3 दिन की छुट्टी होगी, उसके बाद ट्रेजरी में पता चला वो पोर्टल बंद हो गया था। और एक्शन साहब ने मैंने हम चाहवा थे किस आदमी ने गलती करी, वो गलती निष्कर्ष पे नहीं हम पहुंच पाए, क्योंकि ये सब डिवीजन में अप्लीकेशन देनी पड़ती हैं, वो कह रहे थे लेट होगी, हम अपनी बात पे अडिग रहे, लेकिन उन्होंने माना कि भाई हमारी गलती से हुआ है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही लेटर बनवा दिया और वो सरकार के पास जाएंगे। 100% उन्होंने आश्वासन दिया कि भी लोन का जो पैसे हैं हम कर्मचारियों को दिलवाएंगे। कर्मचारी थे और जब बातचीत की जा रही थी ऐसे कह रहे थे 184 कुछ कर्मचारी हैं, जिनमें से कुछ को रखा जा रहा है, यानी कि 119 के आसपास रखा जा रहा है, तो इसको लेकर क्या बातचीत हुई? आप भी अंदर थे तो इसको लेकर कोई बातचीत, क्योंकि मेन समस्या यही थी। बिल्कुल, मेन समस्या यही थी, जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति सीनियरिटी के तौर पर ली जाए, तो यहाँ पे सभी राजनीतिक खेल देखा गया, क्योंकि कुछ बंदे हैं हमारे नज़र में भी है, अभी भी है, जो ऑफिस में भी नहीं आते, उनको ये नहीं पता कौन सी बुर्जी कहाँ पे है, वो बंदे अभी भी ड्यूटी पे चढ़े हुए हैं। जो 5-6 भी नेता लगे हुए थे उन बंदों का कौशल में नाम ऐड कर दिए गए हैं, और जो 5-6 साल तक लग रहे थे उनका बिल्कुल हटा दिया गया है, मार्च की 31 को उनकी छुट्टी कर दी गई। इसी बारे में हम एक्शन को नोटिस दिया था, सर हमको सीनियरिटी के तौर पर रखा जाए और हमारी जो पेंडिंग तनख्वाह है उसके बारे में बोला गया था। सर कह रहे हैं आश्वासन दिया है, बल्कि मैं ये कहता हूँ सर, ये जो एक्शन साहब है मीठा बोलते हैं, काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, कभी एक बार कहते हैं हमने पोर्टल खोला था और नाम चढ़ाकर हमने बिल्कुल बंद कर दिया, दोबारा खोला नहीं, ये नहीं बोला कि पोर्टल नहीं चल रहा, उन्होंने एक्शन साहब ने ये बोला कि हमने नाम चढ़ाकर दोबारा खोला नहीं। अच्छा जी, ये बोला अभी पोर्टल चला हुआ है, क्योंकि एक्शन साहब ने अपने मुंह से खुद बोला ये कि पोर्टल चला हुआ है, हमने दोबारा खोल छेड़ा ही नहीं उसको, ये बोला है, ये कि बिल्कुल मेरे को लग नहीं रहा है ये झूठा आश्वासन। तो जो कर्मचारी 63 बाकी रह गया, तो इसके लिए कुछ लगाने की कोई
वही नहीं प्रोसीजर भाई, बिल्कुल पहले देखेंगे एक्शन साहब अगर हमारी डिमांड को सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर वो तो बाद की बात है, जरूर इसके बारे में हम सोचेंगे सभी भाई मिलकर भी कुछ, या फिर कर्मचारियों की जो भी समस्या थी नहीं, रिपेयर से लेके बुर्ज की रिपेयर है या कॉलोनी की रिपेयर है, ऑफिस की है, यूनियन का कमरे की है, सारी बारीक से बारीक सारी समस्याएं एक्शन साहब को बता दी हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक कराएंगे। तो सहमति बन चुकी है सर आपकी, मतलब जैसे अभी बातचीत हुई है तो जो पूरी टीम गई थी आपकी जो कर्मचारियों की, तो उन्होंने सहमति जता दी है या फिर अभी पेंडिंग पड़ी हुई? नहीं, धरने के लिए सहमति जता दी है, फिलहाल धरना यहाँ से समाप्त कर रहे हैं। कुछ चीज़ों पर आश्वासन दिया, कुछ टाइम लिमिट चीज़ें हैं, कुछ ऐसी है जिसमें टाइम नहीं दिया है कि हमें इतना टाइम लगेगा, आइडिया दे देंगे लेटर जब भी इश्यू होगा उसके बारे में। जो कच्चे कर्मचारियों की बात थी उस बारे में आश्वासन दिया कि सीनियरिटी के बेस पे दोबारा लिस्ट तैयार किया जाएगा, सब डिवीजन के बोला है या उन्होंने बोला हाँ सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट मांगी गई, दोबारा एसडीओ से जाँच कराई जाएगी उसकी, अगर किसी में कोई इश्यू होगा तो उस नाम को ऐड कर दिया जाएगा। बड़ी समस्या ही आ रही है अभी, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी ऑफिस में भी नहीं आते और उनके नाम चलते हैं यहाँ पे के लिए, तो ऐसा ही कुछ समस्या होता है उनके लेकर भी कोई बातचीत? उनके लिए यही है कि जो भी सब डिवीजन में जेई होगा या एसडीओ होगा वो अपनी अपनी लिस्ट सबमिट कर दे कि हमारे पास इतने एम्प्लॉय इतने के हमने नाम दिए थे और ये ड्यूटी इस फील्ड में कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बना दी जाएगी लगभग। एक्शन साहब खुद चेक करेंगे, उन्होंने बोल दिया है कि सभी सब डिवीजन हाजिरी को लेकर भी कोई, मान लीजिए कोई कर्मचारी कह रहे अभी नाम चल रहा है लेकिन उसकी हाजिरी सबकी जैसे सबकी लगती है तो ऐसे उसकी भी लगनी चाहिए कि ऑफिस के लिए फिलहाल फील्ड के लिए कोई बायोमेट्रिक जो रेगुलर कर्मचारी और ऑफिस में जॉब करते हैं उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन्होंने स्टार्ट कर दी 1 तारीख से, ठीक है, और उसमें रेगुलर हो भी रहा है ठीक, लेकिन फील्ड में बायोमेट्रिक नहीं है उस पर, तो यही है कि जो नाम है वही बंदे फील्ड पर होने चाहिए, उसकी जाँच खुद करेंगे एक्शन साहब। ऑफिस के लिए बायोमेट्रिक कंप्लीट कर दी गई, कंपलसरी है वो। उसमें बोलो आप, 3-4 बारी कमेटी बनाई गई थी और यहाँ एड क्लर्क और एक्शन ने लगातार 4-5 कमेटी बनाई है, उन्होंने हमारे को पत्थर दिखाए हैं कमेटियों के, उन्होंने बार बार एसडीओ से यही कहा कि भाई कोई भी इसमें गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी कोई गड़बड़ है तो दोबारा से इसकी जांच होगी। मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग हुई है इनकी बार बार एसडीओ की, फिर भी कोई गड़बड़ है तो एक्शन साहब ने आश्वासन दिया कि भाई इस गड़बड़ को सुधारेंगे, दोबारा लिस्ट बनाएंगे और जो लोग रह गए उनको जून तक का समय दिया हमारे को, 30-6 तक का टाइम दिया, 30-6 तक, 30-6-22 तक का हमारे को टाइम दिया, 30-6-22 तक उन कर्मचारियों को जोड़ दिया जाएगा। उसमें एक्शन साहब ने सीनियरिटी के बारे में एक बात और रखी है, जो कोटा है अब ओबीसी का एससी का, भाई उस आधार पर कोई साथी आएगा तो उसको हम रोक नहीं सकेंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब का कोटा है 50% जनरल का, 10% ईडब्ल्यूएस है, फिर उसके बाद एससी का बीसी का, वो कोटा उसमें भी मेंटेन होगा, हरियाणा क्वेश्चन में भी। तो आप देख सकते हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है सभी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, सुबह से लगातार धरना जिनका जारी था और जैसे ही एक्शन है जो सीधा है उनके साथ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये फैसले लिए गए कि एक लंबी चौड़ी जो लिस्ट इनकी मांगों को लेकर, उस लंबी चौड़ी लिस्ट में कुछ मांगे जो तुरंत मांगे मान ली गई है लेकिन कुछ के लिए कुछ समय होता है, कुछ समय के बाद ही वो पाती है जिसके लिए वो समय चाहिए उनके लिए, तो वो भी इनके तरफ से कह दिया अभी हम समय दे देंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है जो सहमति जताई है प्रदर्शन को लेकर, धरना जो समाप्त कर दिया है और सहमति जताई है, आगे जो भी बातचीत होगी हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें दिखाई जा रही है एनजी न्यूज़ के माध्यम से दिखाई जा रही है, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज यहाँ पर इरीगेशन डिपार्टमेंट पर पहुंचे थे, लगातार कर्मचारियों की समस्या यहां पर बनी हुई थी और समस्या को देखते हुए आज यहां पर आज एक्शन साहब के खिलाफ और जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसको लेकर बातचीत का दौर जारी हुआ और बातचीत दौर में सहमति भी बनी और धरना भी समाप्त किया गया। धन्यवाद।